गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडे कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास आपकी क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर नंबर हम 3 स्टडी कर रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT स्किल्स को हम स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 आपका इस समय चल रहा है। सेशन 1-4 हम स्टडी कर चुके हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स के बारे में। आज जो हम स्टडी करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, किस तरीके से कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, किस किस तरीके से कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस काम करते हैं, कैसे उसके फंक्शन काम करते हैं, ये सारी चीज़ हम आज स्टडी करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। आज जैसा सभी जानते हैं, 2 तरीके से कंप्यूटर बना हुआ होता है, एक को हम हार्डवेयर कहते हैं और दूसरे को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर आपका वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, आँखों से आई से देख सकते हैं और उसको टच एंड फील कर सकते हैं, और आपका जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम टच एंड फील नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं देख सकते, विजिबल नहीं होता है। तो बेसिकली ये आपका कंप्यूटर सिस्टम में रहता है। अब आपने देखा होगा कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड माउस होता है, मॉनिटर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि पेरिफेरल, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस आपकी हो गई, आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्कैनर हो गया, ये सारी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं जो कि आपकी सपोर्टिंग डिवाइसेज होती हैं। तो इस तरीके से पूरा कंप्यूटर आपका एक कंप्लीट होता है। तो सॉफ्टवेयर आपको अगर हम कहें, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, जनरल वेज में हमने उसको कह दिया कि हम जिसको आप उसे देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, बट अगर हम कम्प्लीटली डेफिनेशन में जाएं तो हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल्स द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर से जो इंटरेक्ट करने के लिए आपका जो इंस्ट्रक्शंस जो दिया जाता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वो आपका एक बेसिकली सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है। तो बहुत तरीके के आप सॉफ्टवेयर को भी हम कैटेगराइज कर देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जो होता है वो बेसिकली उसका वर्क होता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर है, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, जैसे कि आपका जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जैसे में आपका लाइनक्स, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, MS-DOS और अलग अलग टाइप के आपके सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, एक आपका CUI बेस्ड हो सकता है, MS-DOS जैसे आपका हो गया, या आपका GUI बेस्ड हो सकता है, जैसे कि आपका विंडोज़ हो गया, Macintosh हो गया, ये आपके GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसका जो पावर स्विच है उसको आपको ऑन करना पड़ेगा, अपना UPS को ऑन करना पड़ेगा, अगर UPS आपने लगा रखा है। उसके बाद में आपका मॉनिटर का स्विच ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका जो CPU है उसका स्विच आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद में एक प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, कुछ टाइम के लिए वो अपने सारी फाइल्स को कंप्यूटर लोड करता है और आपको थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉगिन के लिए आ जाता है। तो वहाँ पर आप अपना, अगर आपने पासवर्ड ID लगा रखा है, तो वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद में आप जो है उस पर वर्क करने के लिए आप उसका रेडी हो जाते हैं। तो ये आपका इस तरीके से कंप्यूटर आप अपने स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में अगर हम फंक्शंस की बात करें तो कंप्यूटर के पार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, तो बेसिकली जो सबसे पहले आपका प्रोग्राम रन होता है वो आपका रन होता है BIOS। यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है वो होता है BIOS, जिसको हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये आपका सिस्टम में आपका इंस्टॉल होता है, जिसको सबसे पहले आप उसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, सबसे पहले इसको रन कराते हैं, ये ऑटोमेटिकली रन होता है, ये आपका बेसिक प्रोग्राम होता है, और जैसे ही आप इसको अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिकली आपका रन हो जाता है। तो BIOS इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद में आपका OST आता है,
इसके बाद में जो आपका पोस्ट होता है, तो पोस्ट को हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट करता है, सारी चीज़ें टेस्ट करता है कि मेमोरी आपकी ठीक है नहीं, सारे प्रोग्राम जो भी नेसेसरी प्रोग्राम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि आपके इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए होते हैं, उन सारी फाइल्स को आपका रैम पर लेके आता है। सेकेंडरी स्टोरेज से जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उससे आपका रैम पर लेकर आता है, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी आपकी फाइल्स हैं वो मेमोरी पर आपकी रैम पर आने के बाद में थोड़ा एक आपका 30 से 60 सेकेंड, दो एक से दो मिनट आपका लगता है कंप्यूटर स्टार्ट होने में, तो उसमें आपकी सारी फाइल्स लोड होकर आपके आ जाती हैं और फाइनली एक आपकी वहाँ पर स्क्रीन आ जाती है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, चाहे वो आपका विंडोज़ हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, उसकी सारी फाइल्स आपकी आ जाती हैं और लॉगिन के लिए वहाँ पर आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं लॉगिन या लॉगआउट की, तो लॉगिन लॉगआउट आपका आता है अगर आप सिंगल यूज़र हैं तो वहाँ पर आपको लॉगिन की वहाँ पर नीड नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। लेकिन अगर आप नेटवर्क में काम कर रहे हैं, एक एक पीसी पर कई लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर आपका एक ही कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के यूज़र आप वहाँ पर बना सकते हैं और हर किसी को अलग आईडी पासवर्ड आप दे सकते हैं। इसमें हम जैसे हम लैब में बात करते हैं, लैब में हमारा जो है बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, एक ही सिस्टम होता है, इसको हम सर्वर पीसी कहते हैं। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, लॉगिन एंड लॉगआउट को वहाँ पर परमिशन देंगे कि कौन वहाँ पर क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और जो हमारा जो सबको यूज़र नेम आईडी पासवर्ड देंगे कि वो अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर में अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किसी दूसरे यूज़र को वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, जो एक एक पीसी वन पर जो एप्लीकेशन है वो अलग होगा, पीसी टू पर अब वो है वो अलग होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सभी में सेम होगी, ठीक है। उसके बाद में शटिंग डाउन आपको करना है विंडोज़, आपको जैसे अपना कंप्यूटर आपने ऑन करना आपने देख लिया, शट डाउन किस तरीके से करते हैं, तो शट डाउन करने के लिए भी आपको आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम लिनक्स की बात करें तो वहाँ पर सिस्टम पे जाकर और उसको स्विच ऑफ कमांड देनी होती है, तो वहाँ पर वो स्विच ऑफ हो जाएगा, जैसे मोबाइल में आपके होता है। इसी तरीके से अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका टर्न ऑफ का वहाँ पर दिया होता है, शट डाउन का दिया होता है, तो उस तरीके से आप उसको शट डाउन कर सकते हैं। कीबोर्ड कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। इसके बाद में आपका जो फंक्शन हो गया, ये तो आपका था स्टार्टिंग का कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। उसके बाद में कीबोर्ड में देख लेते हैं कि कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली हम जो है जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो जनरली हम क्वेरिटी टाइप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, QWERTY, ये आपका क्वेरिटी टाइप कीबोर्ड होगा। इस कीबोर्ड में आप क्या करते हैं, ये जो कीबोर्ड होता है आपका, इसमें जो कीज़ होती है वो क्वेरिटी की फॉर्म में लिखी होती है, QWERTY, तो उसको क्वेरिटी कीबोर्ड हम बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड्स आते हैं जनरली, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के कीबोर्ड होते हैं। देखिए एक कीबोर्ड होता है आपका 101 कीज़ का, इनहेंस्ड कीबोर्ड जिसको बोलते हैं। उसके बाद 104 कीज़ का होता है, जो कि आपका विंडोज़ कीबोर्ड होता है जनरली, जो 104 का होता है। कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उनमें और ज़्यादा कीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। 82 की का कीबोर्ड होता है, जो कि आपका मैक में यूज़ होता है, उसमें थोड़े कम कीज़ होती हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं, एक ही की में कुछ और ज़्यादा फंक्शंस दिए हुए होते हैं। 108 की का होता है एप्पल एक्सटेंडेड कीबोर्ड, ठीक है, जिसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एप्पल का ये कीबोर्ड होता है। और जनरली जो हम विंडोज़ का यूज़ करते हैं वो अपना 104 का होता है, जिसमें नॉर्मल कीबोर्ड जो हमारे पास में होता है। तो अब ये कीज़ कैसे काम करती हैं, बहुत सारी कीज़ हमारे कीबोर्ड में दी होती हैं, ये सारी कीज़ जो होती हैं, हर बटन के नीचे एक आपका ASCII कोड दिया होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जिसको हम बोलते हैं ASCII, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरनेशनल, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या करता है आपका, जैसे कि हम बात करें कैपिटल लेटर ए, तो हर किसी का ही कैपिटल लेटर दिया होता है, जैसे कीबोर्ड है उसका, उसके जो जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे तो उसका एक ASCII कोड होगा, तो 65 उसको ASCII कोड दिया हुआ है लेटर ए का कैपिटल का। और जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 010001, ये आपका
8 बिट का आपका बन जाएगा, 8 बिट ये आपने पढ़ना है, ये इसका कोड बन जाएगा ठीक है। ये इसका बाइनरी कोड कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा, ASCII कोड से बाइनरी कन्वर्जन कर देंगे और 8 बिट आपका स्पेस लेगा, यानी 8 आपको अगर लिखना है तो ASCII वैल्यू 65 होगी, बाइनरी वैल्यू 0100001 होगी और इसका जो स्पेस रहेगा वो 8 बिट या फिर 1 बाइट आपका जो लेगा मेमोरी को स्टोर कराने के लिए। तो कौन कौन सी इसमें कीज़ होंगी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड में आपकी होती हैं टाइपिंग कीज़, जिससे कि आप टाइपिंग करते हैं। कीबोर्ड के बाद कीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपकी होती हैं टाइपिंग कीज़। टाइपिंग कीज़ में आपका होता है सारा ए से लेके ए टू जेड और 0 to 9, ए टू जेड और ए टू जेड, ये सारी कीज़ होती हैं आपकी, ये टाइपिंग कीज़ होती हैं ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिक कीबोर्ड आपका आता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड जिसको न्यूमेरिक कीज भी हम बोल सकते हैं। तो ये आपकी कीज होती हैं, इसमें आपकी 17 कीज होती हैं 0 to 9 और आपकी प्लस माइनस ठीक है 10 कीज तो आपकी ये होगी। और कुछ कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए कुछ दिया हुआ होता है जैसे कि प्लस माइनस एंटर इक्वल टू, इस तरीके के सिंबल्स दिए गए होते हैं ठीक है। उसके बाद में हम बात करें फंक्शन कीज़ दिए हुआ होता है कीबोर्ड, जिसमें बहुत सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, F1 से लेके F12 तक, इस सारे के सारा फंक्शन कीज दिया हुआ होता है। उसके बाद में कुछ कंट्रोल कीज दिए हुए होती हैं आपके कीबोर्ड में। कंट्रोल कीज से हम बहुत सारी तरीके के जो फंक्शन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपका कंट्रोल कीज में आपका कंट्रोल हो गया CDRM जिसको बोलते हैं ठीक है, और आपका शिफ्ट हो गया, एंड हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, इस तरीके से बहुत सारी कंट्रोल कीज दी होती है। होम हो गया, एंड बटन हो गया, इंसर्ट बटन हो गया, ये सारी की सारी आपकी कंट्रोल कीज होती हैं जिनसे कि हम कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है, और कमांड्स को कंट्रोल करते हैं। कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, स्पेशल पर्पस के लिए होती हैं, जैसे कि आपका कैप्स लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया, कैप्स लॉक से आप अपने लेटर्स को स्मॉल और क्लोज कर सकते हैं, और कैप्स लॉक के बाद में जो आपका नंबर लॉक है, नंबर लॉक है वो आपका आपके नंबर को लॉक कर देता है, अगर आपको नंबर नहीं करना है तो आपको नंबर लॉक आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है। इसी तरीके से प्रिंट स्क्रीन दिया होता है, प्रिंट स्क्रीन से आप उधर पूरे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रिंट स्क्रीन के बटन से ठीक है। और स्पेस बार है, टैग है, ये सारे आपका स्पेशल की होती है ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं नेविगेशन की, नेविगेशन कीज में आपकी एरो कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये सारी की सारी आपकी नेविगेशन कीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने जो कर्सर है उसको कहीं पर भी मूवमेंट उसको करा सकते हैं, लेफ्ट राइट या अप डाउन में उसको नेविगेट करा सकते हैं। उसके बाद में एक की होती है आपकी विंडो की, विंडो की से क्या होता है, विंडो की से आपका जो है स्टार्ट मेन्यू आपका आ जाता है, जैसे आपका स्टार्ट मेन्यू अगर आप लाना चाहते हैं तो आप जो है विंडो की से ला सकते हैं। तो ये सारी इतनी तरीके की आपकी कीबोर्ड में कीज होती हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत तरीके की टाइपिंग, बहुत तरीके का जो है कंट्रोल और बहुत तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की कमांड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो इनपुट डिवाइस में है वो आपका माउस आता है, जिसको आपको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ फंक्शंस दिए होते हैं, जैसे कि आपको रोल करने का फंक्शन दिया होता है जिसको हम जो है स्क्रॉल बटन से रोल कर सकते हैं, पेज
लेंथी पेज है तो उसको अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट एंड क्लिक, जो माउस है उसको आप होल्ड करके किसी पर भी पॉइंट करके, किसी बटन पे पॉइंट करके उसको पॉइंट करके क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक आप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाकर आप उसको छोड़ सकते हैं, जीयूआई अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। डबल क्लिक आप करेंगे तो उसके अंदर जो क्विकली कमांड होगी, ठीक है, जो उसके अंदर फंक्शन होगा वो आपका अलग हो जाएगा। सिंगल क्लिक पे अलग वर्क होता है, डबल क्लिक पे अलग वर्क होता है, राइट क्लिक पे अलग वर्क होता है और लेफ्ट क्लिक पे अलग वर्क होता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको चेक करनी है तो आप राइट क्लिक का यूज़ करेंगे, लेफ्ट क्लिक आप करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप डबल लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि वो आपका ओपन होने की कमांड होती है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो सिंगल क्लिक करके आप दूसरी जगह ले जाकर उसको ड्रॉप कर दीजिए, वो आपका ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो ये आपका सेशन नंबर 4 था। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेशन नंबर 4 था, जिसमें कि हमने कंप्यूटर के थोड़ा सा कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या उसमें फंक्शन दिए होते हैं, कीबोर्ड माउस के क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये सारी चीज़ हमने देख ली हैं, अब हमको क्या करना है कि अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, वो चीज़ हमको सीखनी है सेशन नंबर 6 में। परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, बेसिक फाइल बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले फाइल, आपको ये जानना होगा कि फाइल और फोल्डर में डिफरेंस क्या होता है। ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज केप्ड फाइल, ठीक है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको करनी है उसको आपको फाइल उसको कहा जाता है। जैसे कि आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसको हम डॉक फाइल कहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई इमेज वगैरह आपको क्लिक करनी है तो हमें उसको इमेज फाइल कहेंगे। अगर आपको कोई वीडियो वगैरह बनानी है, वीडियो वगैरह स्टोर करनी है तो आपको उसको वीडियो फाइल कहेंगे। हर किसी फाइल का जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो उसकी एक्सटेंशन के थ्रू होती है। एक्सटेंशन से हम पहचान के ये बता सकते हैं ये फाइल आपकी इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, या फिर आपकी किसी दूसरे टाइप की फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, या कोई भी आपकी फाइल है। तो उसके लिए हम एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, जो कि लास्ट के 3 लेटर्स होते हैं, कुछ कंडीशन में 4 लेटर्स भी आपके होते हैं। स्टार्टिंग में फाइल नेम रहेगा और डॉट के बाद में आपका एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे exe हो गया, .jpg हो गया, .png हो गया, .doc हो गया। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी एग्जीक्यूटिव फाइल है, ये हमारी पिक्चर फाइल है, ये पिक्चर फाइल है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है। एक्सटेंशन से हम पहचान के बता सकते हैं कि हमारी फाइल किस टाइप की। अब हम बात करेंगे फोल्डर्स की। तो फोल्डर्स आपका क्या होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी तरीके की फाइलें रख सकते हैं, वो आपका एक फोल्डर हो जाएगा। जनरली में हम कह सकते हैं इसको कि ये हमारा एक होल्डर की तरीके से होता है। जैसे कि आपकी जो फोल्डर होता है, जैसे कि आपका फाइल होती है, जैसे कि आप उसमें बहुत सारे पेजेस लगा देते हैं, तो पेजेस आपके क्या हो गई, फाइल्स हो गई, और आपकी जो पूरा जो फोल्डर है उसमें आपने अपनी सारी फाइल्स को लगा दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स जो है एक फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं, और उसको आप जो है उसका कोई ना कोई लोकेशन आप उसका सेट कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे आप उसको रख सकते हैं। किस तरीके से हम फाइल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके क्रिएट अ न्यू फोल्डर, आप अगर फोल्डर न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में वहाँ पर आपका आ रहा होता है, विंडोज़ में हम बता रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, वहाँ पर उसमें आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको न्यू फोल्डर क्रिएट कर देंगे। उसके बाद में आप उसको रिनेम करना है तो F2 प्रेस करके उसको रिनेम कर देंगे, या उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उसको आप रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से आप उसको वहाँ पर रिनेम कर सकते हैं, या एक तीसरा तरीका और भी है कि प्रॉपर्टीज़ में आप जाएँ राइट क्लिक करके और उसके अंदर रिनेम का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आप उसको कर लें, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हैं, आप यहाँ से उसको फोल्डर को रिनेम कर सकते हैं। सेम अगर हम फाइल की बात करें कि फाइल आपको कैसे बनानी है, तो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको मान लीजिए वर्ड फाइल बनानी है ऑफिस की, तो आप पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके और उसके अंदर क्रिएट अ न्यू फाइल करके, एक तो आपका ये तरीका है, ठीक है। दूसरा आप क्या करते हैं, आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद में आप वहाँ पर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, वहाँ पर आपको न्यू डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपका जो है न्यू फाइल वहाँ पर आपकी बन जाएगी, ठीक है। कुछ शॉर्टकट कमांड्स दी हुई हैं, जैसे कि आपका कंट्रोल एस होता है फाइल सेव करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट होता है सेव एस के लिए, कंट्रोल ओ होता है ओपन के लिए, कंट्रोल पी होता है प्रिंट कमांड के लिए, ठीक है, और आपका कंट्रोल जेड होता है अंडू के लिए, कंट्रोल वाई होता है रीडू के लिए, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, सारी फाइल्स एक बार में सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल ए,
एल्ट F4 होता है आपका जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज करने के लिए। मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन खुली हुई है तो उसको एकदम से क्लोज करना है, एल्ट F4 आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल X होता है आपका कट करने के लिए, कोई भी चीज़ आपको एक फोल्डर से उठा के वहाँ दूसरी जगह ले जानी है, पुरानी वाली जगह से ख़त्म करनी है, तो उसके लिए कंट्रोल X, कंट्रोल V हम कह सकते हैं पेस्ट कमांड के लिए। और ये ज़्यादातर सारी कमांड होती हैं जिनको आपको जनरल वे में याद रखना है, और सभी जगह एक जैसी एप्लीकेबल होती हैं। 7-8 कमांड हैं, इजीली आप उनको लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का सेशन था। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपसे बात करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के बारे में, जिसमें कि आपका नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, आज इसी चैप्टर की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।